हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में होने वाली अनबॉक्सिंग एक बहुत ही कमाल के बॉक्स की, जिसमें हमें देखने को मिल जाता है एक बहुत ही कमाल का स्मार्टफोन जो कि आ जाता है हमारा वन प्लस की तरफ से, वन प्लस का नॉर्ड CE2। तो ये आप देख सकते हैं इसकी रिटेल पैकेजिंग। ये आपका नॉर्मल टिपिकली बॉक्स देखने को मिल जाता है, ब्लैक कलर का जो नॉर्मल नॉर्ड का बॉक्स देखने को मिल जाता है। बाकी है नॉर्ड का CE2। मैंने आपको नॉर्ड CE2 लाइट की भी अनबॉक्सिंग दिखाई दी, तो अगर वो आपको फोन देखना है वो एकदम बिल्कुल बजट सेगमेंट 20,000 के अंदर आ जाता है, लेकिन ये 20,000 के ऊपर है। प्राइसिंग सब आपको मैं डिटेलिंग एंड में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दिए, हिट कर दिए उस लाइक बटन को, ग्रे कर दिए, साथ ही चैनल पर नए चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर से प्रेस करिए, और प्यारे प्यारे कमेंट्स नीचे कमेंट सेक्शन जरूर से छोड़ दीजिएगा इस फोन के रिगार्डिंग, जो आपको समझ में आए, जो आपको बेस्ट लगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग से। तो ये आप देख सकते हैं इसकी रिटेल पैकेजिंग जो कि ब्लैक कलर टिपिकली लिख कर आता है। ये नॉर्ड पहले से ही पैटर्न बनता हुआ आ रहा है, और साइड में कुछ ब्रांडिंग देखने मिल जाती है, जैसे कि आपका लिखा हुआ है वन प्लस नॉर्ड CE2 देखने को मिल जाता है। पीछे कुछ हमें डिटेल स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाते हैं, आप देख सकते हैं ये जो कुछ डिटेल स्पेसिफिकेशन, मैन्युफैक्चरिंग और कलर वगैरह देख सकते हैं, स्टोरेज वेरिएंट, और ये कलर आपका ये ग्रे कलर है, 8128 वाला वेरिएंट हमें देखने को मिल जाता है। तो बॉक्स ऑलरेडी ओपन है, क्योंकि ऑनलाइन अब तो सिस्टम हो चुका है कि जो है ये ओपन डिलीवरी होगी, कि बॉक्स में से फोन निकाल के देखा जाए, क्योंकि बहुत सारे फ्रॉड हो रहे थे। तो ये चीज़ इस टाइप अच्छा लगा ऑनलाइन वाला कि जो है ओपन डिलीवरी होने लगी है, तो ये चीज़ अच्छा है। बाकी हमें बॉक्स में ऊपर पैम्पलेट देखने को मिल जाता है, इसमें हमें कुछ रीडिंग मैनुअल्स वगैरह है, साथ ही सबसे पहले तो हमें ये केस देखने मिल जाता है जो कि ट्रांसपेरेंट नहीं, TPU केस है, बट ये ट्रांसपेरेंट नहीं, थोड़ा सा व्हाइटिश पैटर्न पे है, ब्लड टाइप का फिनिश देखने को मिल जाता है। बाकी ये हमें पैम्पलेट टाइप में रीडिंग मैनुअल्स वगैरह, ये सिम इजेक्टिंग टूल्स देखने को मिल जाता है। उसके साथ में हमें देखने मिल जाता है कुछ ये, हालांकि वन प्लस वाले मेरे फ्रेंड्स वगैरह हैं, तो थोड़े से ये है, बाकी आप देख सकते हैं कि डियर फ्रेंड्स करके उन्होंने मेरे को भेजा है। तो इतनी फ्रेंडशिप हमारा वन प्लस के बीच में चलती रहती है, तो डियर फ्रेंड करके मेरे को ये कार्ड देखने को मिल गया है। बाकी जो है मेंबरशिप कार्ड वगैरह ये देखने को मिल जाता है, रेड क्लब केबल क्लब जो हमें देखने को मिल जाता है, और कुछ अच्छे से स्टिकर्स देखने को मिल जाते हैं जो कि आप इधर उधर चिपका सकते हैं, वन प्लस के, नॉर्ड्स के, वन प्लस लिखे हुए लोगो वगैरह, ये सारे स्टिकर्स देखने को मिल जाते हैं। सेफ्टी इन्फॉर्मेशन है, और कोई स्टार गाइड वगैरह देखने को मिल जाती है, जिसका कोई काम मेरे ख्याल से लगता है नहीं किसी को। तो ये सब हटाते हैं साइड में, ये डियर फ्रेंड्स वाला भी हटाते हैं साइड में, तो बाकी देखते आते हैं अपने मेन कंटेंट पे। तो ये आप देख सकते हैं, ये है हमारा फोन जो कि कंप्लीटली ट्रे में लग जाता है, तो इसको रखते हैं साइड में। फर्स्ट लुक मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले अडैप्टर हम देख लेते हैं, केबल देख लेते हैं। ये जो अडैप्टर हमें देखने को मिल जाता है, ये मिल जाता है हमें बड़े बड़े अक्षर में लिखा गया है, 65 वॉट का सुपर वूक अडैप्टर हमें देखने को मिल जाता है, मतलब फोन में 65 वॉट चार्जिंग सपोर्ट है कम्प्लीटली, तो मज़ेदार है फास्ट चार्जिंग। और साथ ही हमें केबल टाइप सी हालांकि देखने को मिलेंगे, आजकल नॉर्मल है 10,000 फोन में भी टाइप सी केबल देखने को मिल जाते हैं, वही टिपिकल रेड और व्हाइट कलर के पैटर्न में हमें देखने को मिल जाता है, वन प्लस का नॉर्मल यही हमें देखने को मिलता है। तो ये सब चीज़ें हटाते हैं साइड में, अब हम आते हैं अपने मेन जो असली कंटेंट, जिसके लिए असली पैसा लगा हुआ है, मतलब जिसके लिए असली जो है कटा हुआ है। तो ये हम निकालते हैं रैपर से और रिवील करते हैं इसका फर्स्ट लुक, तब तक वीडियो को आप फर्स्ट लाइक कर दीजिए, और साथ ही जो है नॉर्ड CE2 लाइट की वीडियो देखनी हुई तो आपको आई बटन में मिल जाएगी। तो ये आप देख सकते हैं कंप्लीट इसका ये फर्स्ट लुक देखने को मिल जाता है, कलर बहुत ही क्लासी सा लग रहा है, ग्रे कलर है, बहुत ही कमाल का देखने को लग रहा है। बस एक चीज इसमें दिक्कत है, ग्लास फिनिश होने के नाते जो है इसमें फिंगरप्रिंट्स बहुत लगते हैं, मतलब आप देख सकते हैं हल्का सा भी टच करेंगे आप देख सकते हैं फिंगरप्रिंट्स ज़्यादा आ जाते हैं, मतलब ये चीज़ है। बट हाँ, लुक सच में बहुत ज़्यादा प्रीमियम है, पूरा कम्प्लीटली एक प्रीमियम फिनिश देता है। कैमरे का सेटअप हमें ट्रिपल कैमरे का सेटअप देखने को मिल जाता है, जहाँ पे हमें जो है 64 मेगापिक्सल का मेन सेंसर देखने को मिल जाता है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो देखने को मिल जाता है। सच में लुक बहुत ही कमाल का है, सेटअप भी हमें ट्रिपल कैमरे का सेटअप देखने को मिल जाता है, बट जो प्राइसिंग है उसके हिसाब से अगर 5 मेगापिक्सल का मैक्रो होता तो सच में एक कमाल का आउटपुट बनाता, मज़ेदार सा। हालांकि फिर भी ओके प्राइस है, 25,000 के अंडर में आ जाता है, तो हाँ ठीक है, ओके प्राइस है, प्रीमियम लुक फिनिश देखने को मिल जाता है। बट ये जो बस फिंगरप्रिंट वाला इशू है, ये भाई अगर आप कवर लगाते तो सेफ रहेगा, हालांकि इसके साथ कवर देखने को मिल जाता है, ये आप कवर लगाएंगे इसके साथ में लुक भी हमें अच्छा देखने को मिल जाएगा, तो आप लगा सकते हैं आपके विषय। और साथ ही जो है इसके आउटर स्पेक्स और की बात करें, तब तक इस फोन को करते हैं बूट। तो इसमें हमें देखने को मिल जाता है एक साइड में ऊपर में एक IR ब्लास्टर वगैरह देखने को मिल जाएगा, राइट साइड में हमें जो है ऑन एंड ऑफ के बटन देखने को मिल जाते हैं, लेफ्ट साइड में बात किया जाए लेफ्ट साइड में हमें सिम ट्रे देखने मिल जाता है जो कि डेडिकेटेड कार्ड स्लॉट के साथ में आ जाता है, नीचे में वॉल्यूम अप एंड डाउन की बटन देखने को मिल जाती है, और सबसे नीचे बहुत ही खास बात ये कि आपको 3.5mm जैक देखने को मिल जाता है, ये एक अच्छा प्लस पॉइंट है, मतलब फोन में जैक हट जा रहे थे वो एक अच्छा स्टेप नहीं था, क्योंकि डेली यूज में बहुत ज्यादा यूजफुल होता है 3.5mm जैक। और सच में मैं अपना ओपिनियन बताऊं, मैं एयरपॉड्स नहीं यूज करता हूं कोई भी कंपनी के, एक मैंने अभी सस्ता सा परचेस किया है जेब्रोनी का जेब साउंड बॉम 1 करके शायद ऐसा कुछ है, तो वो आपको
आपको आई बटन में वीडियो देखने मिल जाएगी, जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। 800-700 रुपए का मेरे को परचेज खरीदा था मैंने, तो वो बहुत ही इमरजेंसी केस में यूज करता हूं, तो ये चीज एक अच्छा प्लस पॉइंट है। साथ ही माइक्रोफोन है और टाइप सी चार्जिंग पोर्ट देखने मिल जाता है, स्पीकर के ग्रिल वगैरह देखने को मिल जाते हैं, तो ये चीज है। बाकी फोन हो चुका है कंप्लीटली बूट, तब हम बात करते हैं इसके कुछ डिस्प्ले वगैरह के स्पेक्स की हम बात करें, जो कि इसमें हमें जो है 6.43 इंच का एक एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, जो कि सच में बहुत ही कमाल का स्मूथ डिस्प्ले दिया गया है, जो कि आ जाता है 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ में, और साथ ही HDR 10 प्लस का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। मतलब एक 25,000 के फोन के अंदर जो है आराम से आपको बहुत ही स्मूथ और मक्खन डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। एमोलेड के साथ में 90 हर्ट्ज सच में एक कमाल का कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाता है, मतलब हर तरह से प्लस पॉइंट बन जाता है। 1080p की डिस्प्ले हमें देखने को मिल जाती है, 20:9 का एस्पेक्ट रेशियो दिया गया है, साथ ही जो हमें कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन भी देखने को मिल जाता है, मतलब एक बजट सेगमेंट फोन में आपको एक अच्छा ग्लास का प्रोटेक्शन भी देखने को मिल जा रहा, तो एक अच्छा प्लस पॉइंट बन जाता है। बाकी हम चलते हैं इसके कुछ इंटरनल इन डेप्थ फीचर्स में चलते हैं, जहां पे सेटिंग्स में चल के देख लेते हैं क्या क्या हमें देखने को मिल जाता है अबाउट फोन सेक्शन में। यहां कंप्लीट चिट्ठा खुल जाता है आपके फोन का, जहां पे जो दिया गया प्रोसेसर के बारे में डिटेलिंग है, जो कि आपका मीडियाटेक का डायमेंसिटी 900 प्रोसेसर, जो कि ऑक्टा कोर 6 नैनोमीटर बेस प्रोसेसर है, मक्खन प्रोसेसर है, मजेदार सा है, जो कि आता है मालिस जी 68 जीपीयू के साथ में आ जाता है। और साथ ही वर्जन वगैरह की मैं बात करूं एंड्रॉइड वगैरह की, तो आपको इसमें एंड्रॉइड बाय डिफॉल्ट 11 ही देखने को मिलता है, बट इसको आप अपग्रेड कर सकते हो एंड्रॉइड 12 में भी, और साथ ही ऑक्सीजन ओएस 12 भी देखने को मिल जाता है, तो कमाल की चीज है, मजेदार आपको देखने को मिल जाता है, सब चीज अपग्रेडेबल आपको मिल जाती है। और साथ ही जो है प्रोसेसर तगड़ा मजेदार सा प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, और साथ ही सेल्फी कैमरे की हम बात करें तो इसमें पंच होल लेफ्ट साइड में दिया गया है कमाल का, जो कि है 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। बाकी सैंपल शॉट्स वगैरह मैं आपको सामने प्रोवाइड कर दूंगा, आप देख सकते हैं इसके रेयर कैमरे के क्या शॉट्स आ रहे हैं, क्या क्वालिटी आ रही है। बाकी मेरे को पर्सनली एक अच्छी क्वालिटी लगी, आउटकम अच्छा मिला, और साथ में जो है सेल्फी कैमरा भी एक अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छा हमें आउटपुट देखने को मिल जाता है। और यही है इसकी कुछ डिटेलिंग, कुछ डिटेल स्पेक्स इस फोन के बारे में, सच में बहुत ही स्मूथ है, मक्खन सा चलता है। और अब हम बात करते हैं इसके कुछ और भी डिटेलिंग स्पेक्स की, जहां पे हम इसके फिंगरप्रिंट वगैरह की बात करें तो इसके अंदर इनबिल्ट अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाता है, जो कि अंडर डिस्प्ले दिया गया है, मजेदार सा चलता है। बैकअप वगैरह की हम बात करें तो बैकअप वगैरह भी कमाल का हमें देखने को मिल जाता है, जो कि इसके अंदर आती है 4500 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, जो कि सपोर्ट करता है 65 वॉट का फास्ट चार्जिंग, जो कि आपका आराम से 40-45-50 मिनट में आपका फोन फुल चार्ज हो जाएगा 0 से 100, मतलब आपने अगर आधे घंटे भी चार्ज लगाए तो मतलब आपका काम फुल डे तो चल जाएगा आराम से। अगर आप सिंपल वर्क करते हो और हैवी टास्क करते हो तो जाहिर सी बात है आपको हो सकता है एक दो बार और चार्ज करना पड़ जाए दिन में, वो डिपेंड करता है आपके यूसेज के ऊपर, डिपेंड करता है एवरीथिंग, तो ये आप देख सकते हैं। बाकी डिटेलिंग कमाल की, लुक बहुत ही मजेदार सा देखने को मिल जाता है, लुक फिनिश बस ये थोड़ा सा फिंगरप्रिंट वाला है, तो भाई कवर आप लगा लो, मजेदार सा कवर देखने को मिल जाता है, तो आप कवर लगा के जो है रख सकते हो सेफली फोन को, हालांकि कवर लगाना ही पड़ता है, इतना महंगा फोन लेने के बाद जो है फटके ही लग जाते हैं, मतलब अगर गिरा तो गया, खत्म हो जाता है, सीधे कंपनी के बिल बनते हैं 10-12-15 हज़ार के, तो मतलब आधा तो फोन डिस्प्ले का ही चला जाता है, तो वो चीज हमें देखने को मिल जाती है। बाकी फोन क्लासी लुक मजेदार सा देखने को मिल जाता है, प्रोसेसर अच्छा है, बजट सेगमेंट में 24999 का हमें देखने को मिल जाता है, 8128 वाला वेरिएंट देखने को मिल जाता है, मक्खन स्मूथ चलता है। ये थी वीडियो OnePlus Nord CE 2 की, जो कि कमाल की लगी मेरे को, शायद फोन भी मजेदार सा है। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी, कैसा आपको कॉन्सेप्ट लगा, एक्सप्लेन करने का तरीका कैसा लगा, बिल्कुल बेचक नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से बता दीजिएगा। साथ ही आपके कोई भी डाउट्स हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरीज हो, बिल्कुल बेचक नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइए, लेकिन चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिए, आगे आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने को मिल जाती है, क्योंकि इधर थोड़ा सा वीडियो अपलोड नहीं हो पाई, हालांकि जो है इस चैनल का सब कुछ मैं ही हूँ, वीडियो प्रोड्यूसर, कोरियोग्राफर, सब कुछ सारी डिटेलिंग मेरे को अलोन अकेले मैनेज करनी पड़ती है, और साथ ही मेरा बिजनेस भी है, तो इस वजह से थोड़ा सा मैनेज नहीं हो पाता, इसलिए शायद 15 से 20 दिन का गैप हो गया, तो उसके लिए माफ़ी है कि जो है आप लोग प्लीज़ जो है उस चीज़ को मैनेज करिए, कि जो है मेरे को भी कभी कभी मैनेज करने में दिक्कत हो जाती है, कि जो है बिजनेस भी देखना पड़ता और ये भी देखना पड़ता, हालांकि एक सच में बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जहां पे मैं खुद को एक्सप्रेस कर पाता हूं मज़ेदार तरीके से, जहां पे आप लोग इंजॉय करते हैं, बहुत सारी वीडियो में आप लोग का सपोर्ट मिलता है, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि हाँ आपकी वजह से मेरे को ये हेल्प मिली, तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये वीडियो इसी के बारे में थी, OnePlus Nord CE 2 के बारे में, बाकी वीडियो नीचे जो है कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कैसा आपको लगा, क्या डाउट्स है, सारी डिटेलिंग आप बता दीजिए, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिए, हिट कर दीजिए उस बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, जिससे कि आपको आगे आने वाले वीडियोस के अपडेट मिलते रहें, और साथ ही वीडियो को सभी प्लेटफॉर्म पर शेयर करिएगा, जिससे कि
आपके भाई को सपोर्ट मिले। और सच में ये बहुत ही अच्छा गिफ्ट मिला है YouTube की तरफ से, तो वो आपको मैं शेयर करने वाला हूँ जल्दी आने वाली वीडियो में, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। अच्छे अच्छे गिफ्ट्स देखने को मिले हैं, तो वो चीज़ आपको आगे वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। तो वीडियो में बस इतना ही, वीडियो पसंद आए वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सभी को वीडियो शेयर कर दिए। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में, आज के लिए धन्यवाद।